चलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल वीएस इंग्लिश एकेडमी। आज इस वीडियो के अंदर में हम सीखने जा रहे हैं एक जबरदस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज इफ अनलेस। टॉपिक का नाम है इफ अनलेस। मतलब क्या होता है सर? इफ क्लॉज का सेंटेंस हमें अनलेस क्लॉज में चेंज करना है, और अनलेस क्लॉज का जो सेंटेंस है वो इफ क्लॉज में कैसे बदला जाता है, क्या प्रकार का चेंज जो है ना सबॉर्डिनेट क्लॉज में मेन क्लॉज में किया जाता है, उसकी बात हम इस वीडियो के अंदर में करने वाले। लेकिन इस वीडियो को अच्छे तरह से समझने के लिए, या फिर ये जो टॉपिक है इसको अगर सही तरीके से आपको समझना है, तो आपको कंडीशनल क्लॉज समझना जरूरी है। कंडीशनल क्लॉज के साथ साथ अगर आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले क्लॉज से रिलेटेड सारे प्रकार के क्वेश्चंस को आंसरिंग करना है सही ढंग से, ठीक है, ताकि इतना सा भी मार्क्स हमारा ना कटे, तो आपका जो क्लॉज ये टॉपिक है वो अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। और क्लॉज इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए ए टू जेड एक भी क्यूरीज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है ना क्लॉज, ठीक है, ये टॉपिक की वीडियोस हमने अपलोड की है, वो वीडियो देखो, क्लॉज क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद कंडीशनल क्लॉज देखो, उसके साथ साथ वो सब समझने के बाद जो है ना ये वीडियो आपको देखना है, ठीक है। अगर ऐसे भी देखते हो, क्लॉज नहीं देखते हो, कंडीशनल क्लॉज की वीडियो नहीं देखते हो, और इस टॉपिक को भी अगर समझने की कोशिश करते हो, तो आप अच्छी तरह से वो भी समझ जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो सब कुछ देखो, क्योंकि ये सारे जो है ना टॉपिक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ठीक है, इन सभी टॉपिक के आधार पर हमारे एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन आते हैं, हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वो भी वीडियो देखो। उन सभी वीडियोस की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, जिसका नाम है इफ अनलेस। मतलब इफ क्लॉज को हम अनलेस क्लॉज में कैसे बदले, और अनलेस क्लॉज को हम इफ क्लॉज में कैसे बदलते हैं। चले स्टार्ट, देखो तो इफ क्लॉज को, इफ अनलेस इस टॉपिक को जो है ना तीन अलग अलग रूल के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो इधर साइड में सबॉर्डिनेट क्लॉज है, इधर साइड में मेन क्लॉज है। देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो अनलेस होता है इसका ही मतलब होता है इफ नॉट। इफ नॉट मतलब अनलेस, और अनलेस मतलब ही इफ नॉट, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट, सबॉर्डिनेट क्लॉज, इसको सबॉर्डिनेट क्लॉज क्यों कहते हैं? इफ क्लॉज को या फिर अनलेस क्लॉज को सबॉर्डिनेट क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि अनलेस और इफ ये दोनों क्या है, सबॉर्डिनेट कंजक्शन है, और जिस कंजक्शन में इफ और अनलेस का यूज किया जाएगा दैट कंजक्शन, सॉरी दैट क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। तो आपका अगर इफ क्लॉज पॉजिटिव है, इफ क्लॉज को हमें क्या करना है, अनलेस क्लॉज में चेंज करना है। तो इफ क्लॉज अगर आपका पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसको अनलेस क्लॉज में बदलना है, तो उस इफ क्लॉज में मतलब सबॉर्डिनेट क्लॉज में कुछ भी नहीं करना, ओनली ओनली इफ के जगह पर अनलेस लिखना है। ये हो गई बात सबॉर्डिनेट क्लॉज की। अब मेन क्लॉज में क्या करना है, मेन क्लॉज अगर आपका पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव करेंगे, लेकिन कब, जब हम अनलेस वाला सेंटेंस बनाएंगे। और अगर मेन क्लॉज आपका निगेटिव है तो उसको अनलेस क्लॉज में बदलते समय जो है ना हमें पॉजिटिव करना होगा। इसको एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ, इफ दे प्लेड द गेम, इफ दे प्लेड द गेम दे वुड इंप्रूव, दे वुड इंप्रूव, ठीक है। तो ये है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, हमें टेंस की बात नहीं करना है, यहाँ पे हमें बात करना है सबॉर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज। तो यहाँ पे कॉमा दिख रहा है गाइस, तो कॉमा के बाद जो ये सेंटेंस आया हुआ है दे वुड इंप्रूव, ये है हमारा मेन क्लॉज, और उसके पहले जो आया है इफ दे प्लेड द गेम, ये है हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज। सो सबॉर्डिनेट क्लॉज अब इस पूरे सेंटेंस को जो है, मतलब इफ दे प्लेड द गेम दे वुड इंप्रूव, इस पूरे सेंटेंस को जो है हमें अनलेस क्लॉज में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, रूल क्या कहता है, इफ क्लॉज अगर पॉजिटिव है तो ये तो दिख रहा है इफ दे प्लेड द गेम, यहाँ पे कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है, दैट्स व्हाई ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज है ना, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। इफ के जगह पर हमें अनलेस यूज करना है, अनलेस आ गया यहाँ पे, ठीक है, और अनलेस आ गया तो इफ को निकाल कर फेंक देना है। अनलेस दे प्लेड द गेम लिख लिया हमने, अनलेस दे प्लेड द गेम आगे कॉमा तक, ये होगी बात सबॉर्डिनेट की। सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है ना इफ क्लॉज
अनलेस क्लॉज में हमने सक्सेसफुली बहुत ही अच्छी तरह से चेंज कर दिया। अब बात करते हैं मेन क्लॉज की। मेन क्लॉज में क्या चेंज करना है? रूल कहता है कि अगर आपका मेन क्लॉज पॉजिटिव है तो उसको अनलेस क्लॉज में कन्वर्ट करते समय निगेटिव करना है, और अगर आपका मेन क्लॉज पॉजिटिव है तो अनलेस क्लॉज में वो निगेटिव हो जाएगा। मेन क्लॉज अगर पॉजिटिव है निगेटिव है तो अनलेस क्लॉज में वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कर रहा है दे वुड इम्प्रूव, ये हमारा पॉजिटिव है तो उसको हम करेंगे निगेटिव। दे वुड नॉट इम्प्रूव, वुड नॉट इम्प्रूव, दे वुड नॉट इम्प्रूव, दे वुड नॉट इम्प्रूव अनलेस दे प्ले द गेम। जब तक वो गेम नहीं खेलेंगे तब तक वो सुधार नहीं पाएंगे, मतलब खुद खुद में सुधारना नहीं कर सकते। ठीक है, अपने गेम को अपने स्पोर्ट को सुधर नहीं सकेंगे, या फिर वो खुद जो है ना उस गेम में अपने आप को ट्रेन नहीं कर सकते, एक्सपर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक अच्छा खासा प्लेयर बनने के लिए क्या करना जरूरी है? खेलना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। सेंटेंस कहता है अनलेस दे प्ले द गेम, जब तक वो गेम नहीं खेलेंगे दे वुड नॉट इम्प्रूव, तब तक उनमें सुधारना नहीं हो सकती। दे cannot become a good player, वो अच्छा प्लेयर नहीं बन सकते। Is it clear? और if क्या कहता है? If वाला sentence, if they play the game, अगर वो गेम खेलते हैं they would improve, वो इम्प्रूव हो जाएंगे, मतलब वो अच्छे प्लेयर बन सकते। अगर वो गेम खेलते हैं तो अच्छे प्लेयर बनेंगे, मतलब ये अच्छे प्लेयर बनने के लिए क्या कंडीशन है कि गेम खेलना जरूरी है, और जब तक हम गेम खेले नहीं गई जब तक हम गेम खेलेंगे नहीं तब तक हम सुधर नहीं सकते हैं। वही बात होगी अनलेस की, जब तक हम खेलेंगे नहीं अनलेस दे प्ले द गेम तब तक वो सुधरेंगे नहीं, दे वुड नॉट इम्प्रूव। ठीक है, इस प्रकार से ये रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई किया जाता है सेंटेंस में इफ क्लॉज को अनलेस क्लॉज में चेंज करने के लिए। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। If you try, you shall learn. अगर आप try करते हो तो आप सीख जाओगे, definitely. जब तक हम try नहीं करेंगे तब तक हम सीखेंगे नहीं, और अगर हम try करते हैं तो हम सीख जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो देखो If you try, you shall learn. तो if के जगह पर हमें क्या लेना है? Unless लेना है। ले लिया हमने, देखो बहुत ही सिंपल है, सिंपल तरीके से मैं समझा के देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा के दे रहा हूँ ताकि सभी स्टूडेंट्स के क्यूरियस, सभी के किसी भी क्लास में पढ़ने वाला हो, इवन जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं जिनको लगता है कि किस प्रकार से अपने कम्युनिकेशन को ठीक है इम्प्रूव करें, उसके लिए भी फायदेकारक रहेगा। देखो सिंपल तरीके से If के जगह पर हमें यूज करना है अनलेस, बस if को अनलेस में बदल दिया तो बाकी जो सेंटेंस है सबऑर्डिनेट क्लॉज उसको एज इट इज लिखना है। तो अनलेस यू ट्राई, अनलेस यू ट्राई काम आएगा, यहाँ पे जहां पे काम है वहां पे काम आएगा। क्या कहता है? यू शॉल लर्न, ये है हमारा मेन क्लॉज, यू शॉल लर्न ये मेन क्लॉज है। रूल क्या कहता है? अगर हमारा मेन क्लॉज पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव दिख रहा है, यू शॉल लर्न आप सीख जाओगे, पॉजिटिव है तो उसको अनलेस का सेंटेंस बनाते समय निगेटिव करना होता है। तो कैसे हो जाएगा? यू शॉल नॉट, तो यू शॉल नॉट, शॉल नॉट को इन शॉर्ट में लिखा जाता है शांट। ठीक है, क्या लिखा जाता है? शांट। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, शॉल नॉट के जगह पर शांट किया है, इसका अर्थ होता है शॉल नॉट। तो क्या हो जाएगा? यू शॉल नॉट लर्न, दैट मीन्स यू शांट लर्न अनलेस यू ट्राई, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। ये कहता है अनलेस क्लॉज, जब तक आप सीख कोशिश नहीं करोगे, अनलेस यू ट्राई, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, आप सीख नहीं पाओगे इसलिए निगेटिव करना पड़ा। और इफ क्लॉज क्या कहता है? इफ यू ट्राई, अगर आप ट्राई करते हो तो आप सीख जाओगे, बराबर है ना, अगर हम कोशिश करते हैं तो सीख जाएंगे, और जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे, सीख नहीं सकेंगे। नॉट पॉसिबल विदाउट ट्राइंग, विदाउट प्रैक्टिसिंग, इज इट
तो ये हो गया हमारा अनलेस वाला और इसके ऊपर वाला, ये है हमारा इफ क्लॉज। चलो और थर्ड एग्जांपल के द्वारा इसको अच्छी तरह से समझने की और कोशिश करते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या कहता है, इफ यू आर ब्रेव, इफ यू आर ब्रेव यू विल नॉट फियर। इफ यू आर ब्रेव, अगर आप ब्रेव हो, ठीक है, अगर आप हिम्मत वाले इंसान हो तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है। जो हिम्मत वाला इंसान होता है उसको किस चीज का डर है, किसी चीज का डर उसको नहीं लगता है। तो इफ यू आर ब्रेव, अगर आप ब्रेव इंसान हो, ताकतवर इंसान हो, यू विल नॉट फियर, आप किसी चीज को नहीं डरोगे। अब इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, अनलेस वाला सेंटेंस करना है। चलो अनलेस क्लॉज में चेंज कर देते, इफ के जगह पर हमें लिखना है अनलेस, बस इतना करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सबऑर्डिनेट में इसके अलावा कुछ नहीं करना है। रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग इफ के जगह पर अनलेस यूज करना है एंड बाकी जो है जैसे थे। इफ अनलेस यू आर ब्रेव, ठीक है, ये जो है मेन क्लॉज, यू विल नॉट फियर, ये है हमारा निगेटिव सेंटेंस, मतलब निगेटिव क्लॉज है। रूल कहता है कि अगर आपका मेन क्लॉज निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है, लेकिन कब, जब वो चेंज करेंगे हम अनलेस क्लॉज में। वही तो हम कर रहे हैं ना, अनलेस क्लॉज का सेंटेंस बना रहे, इफ क्लॉज को हम वी आर चेंजिंग इनटू अनलेस क्लॉज। तो यू विल नॉट फियर के जगह पर पॉजिटिव सेंटेंस आएगा, पॉजिटिव मेन क्लॉज हो जाएगा हमारा, यू विल फियर अनलेस यू आर ब्रेव, जब तक आप ब्रेव नहीं होते हो, नहीं बनते हो, ठीक है, तब तक आपको डरना पड़ेगा। यू विल फियर, आप डरोगे, आपको डरना पड़ेगा, आपको डर लगेगा अलग अलग चीजों से, क्योंकि हम ब्रेव नहीं है। तो जब तक हम ब्रेव नहीं होते हैं हमें डर लगेगा, अगर हम ब्रेव है तो हम डरेंगे नहीं। और एक एग्जाम्पल देते हैं, We are rich. अगर हम रिच है, अगर हम पैसे वाले, अगर हम अमीर है, तो we shall buy it. If we are rich, we shall buy it. अगर हम अमीर, ठीक है, अगर हम अमीर है तो फिर हम खरीद सकते हैं। If we are rich, अगर हम अमीर हैं तो हम खरीद सकते हैं, we shall buy it, मतलब जब तक हम अमीर नहीं होंगे तब तक खरीद नहीं पाएंगे। जब तक हम अमीर नहीं, खरीदने के लिए कंडीशन क्या है, अमीर होना, ठीक, मतलब जब तक हम अमीर नहीं होंगे, पैसे वाले नहीं होंगे, बहुत सारी संपत्ति नहीं जमा करेंगे, तब तक हम खरीद नहीं पाएंगे, खरीदने में हम असफल ही रहेंगे, इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो चीज हम खरीद सकेंगे। तो देखो ऐसे करते हैं, अनलेस वाला सेंटेंस, अनलेस वी आर रिच कॉमा वी शॉल नॉट बाय इट। अनलेस वी आर रिच, तब तक हम साहूकार नहीं होंगे, जेव्हापर्यंत पैसा भेटणार नाही तोपर्यंत आपण विकत घेऊ शकणार नाही, आणि जर का पैसे आले, जर का आपण अमीर झालोस तर आपण घेऊ शकणार, ठीक आहे, जर तू आलीस तर जाऊ, म्हणजे जोपर्यंत तू येणार नाही तोपर्यंत जाऊ शकणार नाही। कुठे चालले हो मास्तर, पुन्हा सोबत चालले, तुम्हाला काय सांगू बे, तुम्ही बिघडून जाल, मी बिघडलो तर चालेल, टेन्शन घेऊ नका, जरी मी बिघडलो असणार तरी मी शिकवत आहे, टेन्शन नॉट मेन्शन नॉट, अशी गणित आहे की अनलेस वी आर रिच वी शॉल नॉट बाय इट, ठीक आहे, वी शॉल नॉट बाय इट। इस प्रकार से रूल नंबर फर्स्ट इस टॉपिक का अप्लाय किया जाता है, वर्क करता है। चलो रूल नंबर हम सेकंड की बात करते हैं कि कैसे वो वर्क करेगा। चलते, इफ क्लॉज अगर निगेटिव है, ऐसा है निगेटिव है, इफ क्लॉज हमारा निगेटिव क्या है,
निगेटिव अगर है, इसके पहले हमने देखा रूल नंबर फर्स्ट में कि हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इफ क्लॉज है वो पॉजिटिव है, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि अगर हमारा इफ क्लॉज निगेटिव है तो फिर अनलेस का जो सेंटेंस बनेगा, अनलेस क्लॉज का जो सेंटेंस बनेगा वहां पे जो है ना हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट को रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव नॉट, इसको नॉट को रिमूव करना पड़ेगा, और मेन क्लॉज उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा, मेन क्लॉज एज इट इज, ना उसको निगेटिव करना ना उसको पॉजिटिव करना है, जैसे दिया हुआ है वैसे ही मेन क्लॉज रहेगा। किसके अकॉर्डिंग, रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग, अगर आपका इफ क्लॉज निगेटिव है, इफ क्लॉज निगेटिव है, अगर इफ क्लॉज पॉजिटिव है तो मेन क्लॉज पॉजिटिव का निगेटिव करो, निगेटिव का पॉजिटिव करो, ठीक है। और अगर आपका इफ क्लॉज निगेटिव है, यूर सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन यूर कंडीशनल क्लॉज इज निगेटिव, देन देयर इज नो नीड टू चेंज मेन क्लॉज, डोंट चेंज इट फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव एंड निगेटिव टू पॉजिटिव, जैसे है वैसा ही रहेगा, नो चेंज, नो चेंज। जर आपला सबऑर्डिनेट क्लॉज, जर आपला इफ क्लॉज निगेटिव असेल तर मेन क्लॉज मध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदलाव करायचा नाही, ठीक आहे, कुठल्याही प्रकारचा बदल करायचा नाही, काही चेंज करायचा नाही, कुठल्याही शब्दामध्ये अबर थापर काय करायचं नाही, जसं असतील झोपले असोत, मेले असोत, चालत असो, खात असो, पित असो, काही करत असो, आपल्याला त्याच्यासोबत काही लेनदेन ठेवायचं नाही, फुकटची कुठेही असा जे आहे तिथे काही फलत सलत उत्पन्न तयार करायचं म्हणजे आणायचं नाही, डिलिव्हरी काही करायची नाही, भाऊ जसं आहे तसंच ठेवायचं त्याला, नो चेंज। एक्झाम्पल देखते, एक्झाम्पल फर्स्ट देखो, इफ क्लॉज केस आहे हमारा निगेटिव्ह आहे, काय कहता है, इफ क्लॉज निगेटिव्ह आहे, इफ शी इज नॉट हॅपी, इफ शी इज नॉट हैप्पी, नॉट आ गया मतलब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब ये जो है मेन क्लॉज, उसको उसकी बात करते हैं, ठीक है, इफ शी इज नॉट हैप्पी शी विल रून, ठीक है, आर यू आई एन, रून मतलब बर्बाद हो जाना, अगर हम कुछ नहीं रहते हैं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए अगर आबाद होना है, लंबे समय तक जीना है तो हमेशा खुश रहना सीखना चाहिए, दुखों के पहाड़ सबकी जिंदगी में आते रहते हैं, टेंशन नॉट मेंशन नॉट, उन दुखों के पहाड़ों को जो है हंसते हुए उनका सामना करना है, आगे निकल जाना है, और जब हम हंसते हुए उस दुखों के पहाड़ों का सामना करने के लिए डट के तैयार हो जाते तो पहाड़ खुद होकर हमारे चरणों में आकर गिर पड़ता है कि भगवान हमें बोलेगा, भगवान समझे। तो देखो, इफ शी इज नॉट हैप्पी शी विल रून, वो बर्बाद हो जाएगी, ठीक है, तहस नहस हो जाएगी, ठीक। अब इसको हमें करना है अनलेस क्लॉज में चेंज, रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, इफ के जगह पर अनलेस यूज करना है, कहता है रिमूव नॉट, मतलब अनलेस के सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा, इसको निकाल कर फेंकना है, चले लिया है, नहीं तो ऐसा कहीं देना घेना है अपने सोबत, अनलेस शी इज हैप्पी कॉमा मेन क्लॉज नो चेंज शी विल रिन, अनलेस शी इज हैप्पी, जब तक वो खुश नहीं रहेगी तब तक तो बर्बाद होती रहेगी ना, तब तक तो बर्बाद होती रहेगी, ये बात है, अनलेस शी इज हैप्पी शी विल रिन, वो बर्बाद होती रहेगी। सामने चलते हैं सेकंड एग्जांपल के द्वारा फिर से समझते हैं, इफ भूषण डज नॉट विन, देखो इफ भूषण डज नॉट विन, इफ भूषण यहां पे भी देखो डज नॉट विन, विन हमारा मेन वर्ब है, सेंटेंस को निगेटिव करना है, सेंटेंस को निगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी की आवश्यकता होती है, जिसको हम पहले जोडून असा खेटून जे असं चिपकून जे नवरा बायको कसं टू व्हीलर जातात ना तशा सारखं असं चिपकून त्याला लावा लागते निगेटिव्ह वर्ड असं बारे असं, ठीक आहे, तो ये है हमारा, ठीक आहे, हमने ऑक्झिलरी वर्ब यूज किया जिसको हमने
नॉट चिपका दिया, हो गया हमारा इफ क्लॉज निगेटिव। इफ भूषण डज नॉट, ठीक है, इफ भूषण यहाँ पे देखो इज नॉट, यहाँ पे डज नॉट, यहाँ पे इज नॉट, यहाँ पे डज नॉट। सो इफ भूषण डज नॉट विन द मैरिज, दी मैरिज विल नॉट, विल नॉट टेक्स प्लेस, टेक प्लेस। देखो क्या सेंटेंस है, अब कुछ खतरनाक सेंटेंस है वो, इफ भूषण डज नॉट विन द मैरिज विल नॉट टेक प्लेस। अगर भूषण नहीं जीतता है, ठीक है, अगर भूषण नहीं जीतता है तो शादी होना संभव नहीं है। म्हणजेच भूषण रावांना जर स्वतःचं लग्न करायचं असेल, त्यांना वाटते की माझं लग्न झालं पाहिजे, तर भाऊ जिंकणे आवश्यक आहे। कारण जो जिंकणार नाही त्याला कोणीच पोरगी देणार नाही। मग पोरगी पाहिजे लग्न करायचं तर जिंकावं लागेल, दॅट मीन्स जिंदगी में सक्सेसफुल होना पडेगा, तब तक शादी के बारे में ना सोचो। जो जीतेगा, जो सक्सेसफुल होगा, उसी की शादी होगी, जो जिंदगी में पीछे रहेगा त्याचं लग्न होणेच नाही। भाऊ मग अलक निरंजन, फिर देश धार्मिक स्थळ, ठीक आहे। सो इफ भूषण डज नॉट सॉरी विन दी मॅरेज विल नॉट टेक प्लेस, ठीक आहे। रे ये जो भूषण है ये किसी का भी नाम नहीं है, अगर इस नाम का कोई कैरेक्टर उधर में क्लास कर रहा है, वीडियो देख रहा है, ठीक है, तो उसका और इसका जो है ना जो संबंध जुड़ा रहेगा या फिर जुड़ जाएगा उसको एक एक्सीडेंट माना जाएगा ना। तो बस भूषण राव जी है उद्या रंडू घेऊन येतील, बापा सरजी तुम्ही काय श्राप देऊन राहिले का माझं लग्न होणार नाही म्हणून, नाही तशी काहीच गोष्ट नाहीये। मी तर म्हणतो एकदा नाही तुमचं 10 वेळा लग्न हो आणि मला प्रत्येक लग्नामध्ये जेवण करायला बोलवा, आग्रहाची विनंती करतो आहे। चलो सो इफ भूषण डज नॉट विन, अगर वो जीतता नाही आहे तो मॅरेज विल नॉट टेक प्लेस। अभी अनलेस क्लॉज कैसे करेंगे, देखो अनलेस इफ के जगह पर अनलेस, नॉट निकाल कर फेंकना है, नॉट निकाल कर फेंकना है, इसका मतलब डज नॉट को निकाल कर फेंकना है, ठीक है, नॉट को निकाल कर फेंकना है, तो डज नॉट निकाल कर फेंकना है, ऐसी बात। तो ये भूषण विन, ये भूषण विन, देखो यहाँ पे डज नॉट है, नॉट लगाना था, सेंटेंस को निगेटिव करना था, इसलिए मैंने डज लिया। और जब इसको हम अनलेस करेंगे तो रूल कहता है कि अनलेस के सेंटेंस में नॉट नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे डज रखेंगे और नॉट निकाल कर फेंक देंगे, ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, डज डू या फिर डिड, मतलब डज नॉट डू नॉट डिड नॉट अगर आता है और उसको अनलेस सेंटेंस में चेंज करना है तो ना डू यूज करना है, ना डज यूज करना है, ना डिड यूज करना है, और साथ में नॉट इस नेगेटिव वर्ड को भी यूज नहीं करना है। मतलब यहाँ पे डज नॉट है तो अनलेस में डज नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे अगर डू नॉट होता तो अनलेस में डू नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे डिड नॉट है तो अनलेस के सेंटेंस में भी डिड नॉट नहीं आना चाहिए। अगर लिखते हो तो मग असं समजायचं मिरचीचा ठेचा झाला आपले 12 वाजले, ठीक है, समजून जायचं की आपल्याला मार्क किती भेटणार आहे, ते तर त्याने जर कृपा केली तर पास होऊ, नाहीतर अलक निरंजन वाजला आपला बोरिया। सो अनलेस भूषण विन पामा, मेन क्लॉज में कुछ नहीं करना है, डिमैरिज विल नॉट टेक प्लेस। सो अनलेस भूषण विन, जब तक वो जीतता नहीं है, अनलेस का मतलब ही होता है इफ नॉट, तो इफ नॉट भूषण विन दैट मीन्स इफ भूषण डज नॉट विन, बात ऐसी होगी, इफ भूषण डज नॉट विन दैट मीन्स अनलेस भूषण विन। कुणी जर म्हटलं इफ देखो बहुत मार मिलेगा। हाँ देखो कोई कहता है कि इफ भूषण डज नॉट विन मतलब क्या होता है, अबे त्याचं काय करतो बे, अनलेस भूषण विन, इफ भूषण डज नॉट विन, इफ भूषण डज नॉट विन अनलेस भूषण विन, दोघांचा अर्थ सारखाच, अनलेस भूषण विन
असं कसं होईल मग आता? याचं असं होईल ना, इफ भूषण डज नॉट विन, इफ भूषण डज नॉट विन अनलेस भूषण विन, अनलेस भूषण विन इफ भूषण डज नॉट विन, फिनिश का? इस प्रकार से इसका गोखले गणित, अनलेस भूषण विन और मेन क्लॉज में तो कुछ नहीं करना है, जस दिल्ला सासऱ्यानं तसंच तो कपाट जे आहे आपल्या घरी येऊन आपटून द्यायचं. बायकोले मनाचा ठेव की ते साने ठेवायचे आहेत, चपला ठेवू नको हो, तेव्हा बापाने त्याच्यासाठी दिलं नाहीये, ते म्हणाला ठेवू ना बापा, तू याच बापाचा चप्पल ठेव, काही जुते ठेव त्याच्यात, आपल्याला काय करायचं, सासऱ्याने दिलेला तिच्या बापाने दिलेला आहे, काहीच कर, नाहीतर इकून इकून घे तिकडे कबाळीच्या दुकानामध्ये, आपल्याला काय लेन देन आहे. सो अनलेस भूषण विन द मॅरेज विल नॉट टेक प्लेस, द मॅरेज विल नॉट टेक प्लेस. रूल नंबर सेकंड के अनुसार ये कुछ बदलाव हमें करना होता है. चलो और कुछ सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं. थर्ड, इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैंने पैसा नहीं लिया तो गर्लफ्रेंड साठीच खर्च करेल. बाप काय म्हणते, जर पोट्ट्याकडून पैसे नाही घेतले, माझ्या पोट्टा लई दलिंदर आहे म्हणते, जेवढे पैसे असतील नसतील याच्या जकेऱ्यामध्ये सारा खर्च करते गर्लफ्रेंड साठी. तिला पेन देईल, पेन्सिल देईल, आईस्क्रीम देईल, लिपस्टिक देईल, कंगी देईल, ड्रेस घेऊन देईल, चप्पल घेऊन देईल, तिच्या सायकल हवा का मारून देईल, तिला फिरवाल का नाही, तिचे गुलाब देईल, तिला झेंडूची फुलं देईल, तिला अंक देईल, तमक देईल. सेंटेन्स असं होईल, लय भारी आहे पोटपोटे, ठीक आहे. इफ आय डोंट टेक द मनी, ओके, सो फेर ही विल ओनली वेस्ट, he will only waste it on his girlfriend, hey bare sutivam, if I don't take the money, baap kya mante, my father is saying, मेरे पिताजी कहते हैं, इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैंने मेरे लड़के से पैसे नहीं लिया तो फिर ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज गर्लफ्रेंड, वो अपना पूरा पूरा पैसा जो है ना सारा गर्लफ्रेंड के लिए खर्चा करेगा, ठीक है. अब इसको अनलेस का सेंटेंस बनाना है, अनलेस देखो यहाँ पे डू नॉट डोंट आया है, इसके पहले मैंने बताया कि अनलेस के सेंटेंस में ना डू नॉट आएगा, ना डज नॉट आएगा, ना डिड नॉट आएगा. पहले उचलून तिकडे खड्ड्यात टाकून द्यायचं, आग लावा त्याला, आपल्याला त्याच्या सोबत काही लेन देन नाही भावा म्हणत असत. डू नॉट आला दिसला, डू नॉट उचलला का फेकला त्याला, डज नॉट दिसला उचलला का फेकला त्याला, डिड नॉट आहे उचलला का फेकला त्याला, त्यांची पूजा करत बसायची नाही, अनलेस के सेंटेंस में नाही आएगा. सो अनलेस आय देखो, डोंट मतलब डू नॉट, अनलेस इसको निकाल कर फेंक दिए, ये लगेगा यहाँ पे, अनलेस आई टेक द मनी, कॉमा, ठीक है. ही मेन क्लॉज में कुछ भी नहीं करने का रहेगा, मेन क्लॉज को टवस टूवस नहीं करने का, ठीक है. मेन क्लॉज ला जर टवस टूवस के लिए तो हे बाबाजी है, मेन क्लॉज मे हे बाबाजी टाकल जस, हाँ. सो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज गर्लफ्रेंड, सो ऐसा हो जाएगा ये अनलेस आई टेक द मनी, जब तक मैं पैसा नहीं लूंगा तेव्हा पर्यंत माया पोरगा जे है सार उड़वेल, ठीक है. कुणासाठी, कुणावर, आपल्या गर्लफ्रेंड साठी किंवा आपल्या गर्लफ्रेंडवर. गर्लफ्रेंड वर म्हणजे असं का तिच्या डोक्यावर उडवणार आहे का, तिच्यासाठी खर्च करणार आहे, सांगायचा अर्थ असतो. इफ गण्या डिड नॉट टेक रेस्ट
इफ गन्या डिड नॉट टेक रेस्ट, देखो डिड नॉट आया है, इफ गन्या डिड नॉट टेक रेस्ट ही वुड, ही वुड, ही वुड बी इल, ही वुड बी इल इफ गन्या डिड नॉट टेक रेस्ट, इफ गन्या डिड नॉट टेक रेस्ट ही वुड बी इल, वो बीमार हो जाए, हो जाएगा मतलब हो जाता, अगर वो रेस्ट नहीं लेता, सिंपल पास की बात है कि डिड आया हुआ है, अगर वो रेस्ट नहीं लेता तो वो बीमार हो जाता, वो बीमार हो जाता। अनलेस सेंटेंस कैसे करेंगे, देखो ऐसा सेंटेंस आएगा आपको एग्जाम में, ये सेंटेंस आएगा इस कैटेगरी का, याचा सारखा सेंटेंस पेपर मध्ये मास्टर ठेवणारच, मास्टर आहे माहित नाही कोणत्या जन्माचा बदल घ्यायचा असते, असे खतरनाक भाऊ प्रश्न जे आहे पोट्ट्यासाठी त्या पेपर मध्ये देतात आणि पोट्टे पार पिसाळून जातात, काय करायचं बघा। आता बहुत ही सिंपल आहे, इफ गण्या डीड नॉट टेक रेस्ट, इफ के जगह पर अनलेस लिख लिया, अनलेस हो गया, डीड नॉट है इसको निकाल कर फेंकना है, तो डीड नॉट जब निकाल कर फेंकेंगे, डीड और टेक इनका पास पास वाला संबंध है, ठीक है, पास पास वाला 36 आकड़ा ना है 63 एकमेकाकडे पाहून राहिले, लाइन मारून राहिले, डीड नॉट, डीड आया है इसका मतलब मेन वर्ब जो है, ठीक है, वो फर्स्ट फॉर्म में यूज किया हुआ है, और अगर हम डीड नॉट को निकाल कर फेंकेंगे तो मेन वर्ब जो है ये सेकंड फॉर्म में आएगा, ठीक है। सो अनलेस गनिया, अनलेस गनिया टेक के जगह पर टुक रेस्ट, टुक रेस्ट, ठीक है, अब टुक क्यों लिखा, यहाँ पे तो टेक है, ठीक है, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे डीड आया है, डीड आया है तो सिंपल पास्ट है, तो मैंने कहा ना कि अनलेस के सेंटेंस में डीड नॉट नहीं आएगा, तो डीड नॉट जब निकाल कर फेंकेंगे तो जो इफ वाला सेंटेंस, इफ क्लॉज है, इसमें का पहचाना है कि हमारा मेन वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में बदल देने का, ठीक है, बदल दिया हमने, टुक ले लिया, इफ गन्या टुक रेस्ट, इफ गन्या, ओ सॉरी, अनलेस गन्या टुक रेस्ट, मेन क्लॉज जैसे का वैसा, ही वुड, ही वुड बी इल, ही वुड बी इल, ही वुड बी इल, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो मेन क्लॉज जो है कौन सा, ही वुड बी इल, ही वुड बी इल, ही वुड बी इल, अब इसमें मेन वर्ब कौन सा है, मेन क्लॉज में क्या लिखा है मैंने, अरे लई लोकायले ओळखता येत नाही आता, ही वुड बी इल, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है तो सेंटेंस पूरा हुआ कैसे, ही आया, वुड बे, वुड नहीं है, ठीक है, विल सा पास्ट है तो वुड, ठीक है, विल सा पास्ट है वुड, तो हेल्पिंग वर्ब की बात होगी, हमारी मेन वर्ब की बात, मेन वर्ब कौन सा है, बी, ठीक है, ये वर्ब यहाँ पे काम कर रहा है, बी, ठीक है, बी का प्रेजेंट टेंस के जो वर्ब होते हैं एम इज आर होते हैं, बी का जो पास्ट टेंस के वर्ब होते हैं वॉज वेयर होता है, और जो परफेक्ट का होता है बी का होता है बीन, क्या होता है, बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, समझे, तो इस प्रकार से हो जाएगा, अनलेस गन्या टुक रेस्ट ही वुड बी इल, ही वुड बी इल, ओके, चलो अब ये हो गया रूल नंबर सेकंड हमारा, अब बात करेंगे हम रूल नंबर थर्ड की, बात करेंगे रूल नंबर थर्ड की, चलो अगर थर्ड है हमारा अनलेस क्लॉज, इसके पहले हमने देखा है इफ क्लॉज, ये है हमारा अनलेस, ओके, अनलेस क्लॉज, तो इसके जगह पर हमें यूज करना होता है कि क्लॉज में जब हम अनलेस क्लॉज को बदलेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एड क्या, नॉट, इसमें नॉट लगाना है, अनलेस क्लॉज को जब हम इफ क्लॉज में बदलते हैं तो नॉट लगाना है, और जब इफ क्लॉज को अनलेस क्लॉज में बदलते हैं तो नॉट हटाना है, नॉट हटाना है, तो देखो यहाँ पे अनलेस, ठीक है, अनलेस क्लॉज, इफ क्लॉज में जब बदलेंगे तो नॉट लगाना है, क्योंकि इफ नॉट मतलब ही होता है अनलेस, तो इस अनलेस को निकाल कर फेंकेंगे तो इफ नॉट यूज करना है, जो मेन क्लॉज रहेगा उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है, वो जैसे है वैसा ही रहेगा, जैसे है
वैसा ही रहेगा हमारा मेन क्लॉज, उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। चलो एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। फिर इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, देखो अनलेस ही गेट्स द मनी, अनलेस ही गेट्स द मनी, जब तक उसको पैसे नहीं मिलते हैं, अनलेस ही गेट्स द मनी ही विल नॉट बाय द बुक्स, ही विल नॉट बाय बुक्स। क्या सेंटेंस है? अनलेस ही गेट्स द मनी, अनलेस ही गेट्स द मनी, अनलेस ही गेट्स द मनी, जोपर्यंत त्याला पैसे भेटणार नाही, जोपर्यंत पैसे भेटणार नाही तोपर्यंत तो पुस्तक विकत घेऊ शकणार नाही। अनलेस ही गेट्स द मनी ही विल नॉट बाय बुक्स, ही विल नॉट बाय बुक्स। तो देखो कैसे करेंगे अब इसको, इफ क्लॉज, इफ ही, इफ ही तो क्या करना है, नॉट लगाना है, नॉट लगाना है तो नॉट कहां पे लगाएंगे, ये जो गेट्स दिख रहा है ना, गेट्स सही है, हाँ ये जो छान तरीके से मैं लिख के देता हूं ये है गेट्स, ठीक है। तो ये जो गेट्स है, ठीक है, गेट की जगह पर गेट्स लिखा क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही आया है, तीसरा इंसान आया है, थर्ड पर्सन आया, इसलिए मैंने गेट को एस लगाया है, ये तो सबका क्लियर है। तो अभी यहाँ पे नॉट लगाना है इफ के सेंटेंस में, तो फिर मैं इसके जगह पर क्या लिखू, देखो अगर एस आता है मेन वर्ब को तो उसके जगह पर लिखना है डज नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में आएगा हमारा डज नॉट। अगर यहाँ पे गेट आता, ओनली गेट होता तो मैं लिखता डू नॉट, ठीक है, यहाँ लिखता डू नॉट, और अगर यहाँ पे गॉट आता तो मैं लिखता डिड नॉट, क्या लिखता मैं, डिड नॉट, डज नॉट, ठीक है, गेट है तो डू नॉट और गॉट है तो डिड नॉट, गेट सही तो डज नॉट, गेट है तो डू नॉट और गॉट है तो डिड नॉट। यहाँ पे क्या आया है, गेट आया है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डज नॉट, ठीक है, इफ ही डज नॉट, डज नॉट, और जैसे ही यहाँ पे डज नॉट लिखा मैंने, ये जो गेट्स है इसका एस हटा देने का, गेट लिखने का, क्या लिखने का, गेट लिखने का, इफ ही डज नॉट गेट द मनी कॉमा ही विल नॉट बाय, विल नॉट बाय बुक्स, बाय बुक्स, सेंटेंस हो जाएगा तैयार हमारा। सेकेंड एग्जाम्पल, अनलेस, अनलेस द टीचर, टीचेस लेस देन, सॉरी पोएम, ठीक है, शी will not understand it. देखो सेकंड सेंटेंस क्या कहता है, unless the teacher teaches the poem, unless the teacher teaches the poem she will not understand it, उसको समझेगी नहीं, जब तक टीचर पोयम नहीं एक्सप्लेन करेंगे, नहीं सिखाएंगे, वो जो लड़की है, वो जो स्टूडेंट है उसको नहीं समझेगा। अब इफ का सेंटेंस कैसे बनाते हैं, देखो इफ, इफ यहाँ पे आया है टीचेस, टीचेस आया है, ठीक है, टीचेस आया है, यहाँ पे एस लगाया था, यहाँ पे टीच, टी ई ए सी एच को ई एस जोड़ा है, क्या जोड़ा है, ई एस, यहाँ पे मैंने बताया कि अगर एस आता है मेन वर्ब को तो उसके जगह पर डज नॉट लिखना है, यहाँ पे तो ई एस जोड़ा है, फिर आप क्या लेते हैं, एस हो या फिर ई एस हो, देखो मैं बताता हूँ, एस, ठीक है, चाहे वो यस हो या फिर ई एस हो, वी वन प्लस वी वन को एस जोड़ा है या फिर ई एस जोड़ा है, दोनों कंडीशन में लिखना है हमें डज नॉट, क्या लिखना है, डज नॉट ही लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ द टीचर, सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा डज नॉट, डिज नॉट, डू नॉट, सो इफ द टीचर डज नॉट, डज नॉट और टीचेस का हो जाएगा टीच, टीच द पोयम, टीच द
वो एम कॉमा मेन क्लॉज जैसे का वैसा, शी विल नॉट अंडरस्टैंड इट शी विल नॉट अंडरस्टैंड इट इफ द टीचर डज नॉट टीच द पोएम शी विल नॉट अंडरस्टैंड इट। इस प्रकार से ये रूल नंबर थर्ड वर्क करता है। ठीक है, मैंने अनेक चीज मैंने यहाँ पे बताई है कि अगर मेन वर्ब को एस एस लगता है तो क्या बदलना है, और अगर उसके ओरिजिनल फॉर्म में आता है तो फिर आएगा डू। ठीक है, मतलब मेन वर्ब को एस भी नहीं लगाया है, ई एस भी नहीं लगाया है, तो फिर सिंपल प्रेजेंट में डू नॉट आएगा। और अगर इफ क्लॉज में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिया है, अनलेस क्लॉज में अगर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिया हुआ है, सेकंड फॉर्म मेन वर्ब का, तो फिर इफ क्लॉज में डिड नॉट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट अनलेस के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा डिड नॉट। ठीक है, देखो सीक्वेंस किस सीक्वेंस में आएंगे वर्ड्स हमारे इन द सेंटेंस, अनलेस के सेंटेंस में देखो, अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट डज नॉट डू नॉट, बाद में आएगा मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा क्या है जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा, फिर वो मेन क्लॉज का सेंटेंस बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो देखो बहुत ही आसानी के साथ हमने सीखा है आज इस वीडियो में इफ के बदले में अनलेस क्लॉज कैसे लगाते हैं, या फिर अनलेस क्लॉज को इफ क्लॉज में कैसे बनाते हैं, या फिर कैसे चेंज करते हैं। अहो गारंटी के साथ कहता हूँ, पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। और फिर भी अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना ना भूलना। और हाँ, फर्स्ट टाइम अगर हमारी वीडियोस देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो अगर पसंद आती है तो, अगर नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हो, क्यों नहीं पसंद आया, यू कैन सजेस्ट, यू कैन एडवाइस, ठीक है, टू अस। सो वीडियोस को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हाँ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलना, क्योंकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो जाएंगे आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके कारण वीडियोस देखना आपके लिए एक एंटरटेनमेंट जैसी बात हो जाएगी। एंटरटेनमेंट मतलब एंटरटेनमेंट के साथ ही हमें पढ़ना लिखना है और आगे बढ़ना है। आज इस वीडियो में बस इतना ही कुछ, थैंक यू, जय महाराष्ट्र, ऑल द बेस्ट।